आई गाइज वेलकम टू माई चैनल आज की जो वीडियो है टूडेज वीडियो इज एन एक्सटेंशन ऑफ अनदर सेशन दैट आई हैड वेरी रिसेंटली विच वॉज ऑन हाउ फेज वन ऑफ आर बी आई इज कंडक्टेड आज हम लोग बात करेंगे फेज टू के बारे में बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स आज दिन दी कॉमेंट सेक्शन कि सर फेज़ वन का बता दिया तो प्लीज इन डिटेल अबाउट फेज टू इज वेल दो रीजंस हैं ये पूरा डिस्कशन करने के तो पहले वो रीजंस आपको क्लियर होने चाहिए बिकॉज अदरवाइज यू माइट नॉट बी एबल टू अप्रीशिएट कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं ठीक है दो रीजंस हैं ये जानने के एक तो होता है सिमुलेशन नाउ दिस इज समथिंग दैट नॉट ओनली आरबीआई एक्सपीरियंस बट यूपीएससी एक्सपीरियंस ऑल्सो मिस आउट वन सिमुलेशन मतलब प्रैक्टिस सिमुलेशन मतलब रियल एनवायरमेंट को आपको पहले एक बार uh, वैसे ही एनवायरमेंट आर्टिफिशियली क्रिएट करना उसको बोलते हैं सिमुलेशन जैसे कि एयरक्राफ्ट में होता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट बिकॉज देयर यू माइट डाई आप सिमुलेटर में बैठते हो वेयर अ रियल एनवायरमेंट रियल लाइफ एनवायरमेंट इज क्रिएटेड वहां पर एक्सीडेंट हो भी गया तो यू आर नॉट गोइंग टू डाई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इतने कॉम्पिटेटिव इतने लेंथी इतने डिमांडिंग एग्जाम्स हैं कि आप सिमुलेट नहीं करोगे तो फाइनल डे यू विल एंड अप मेकिंग समय मिस्टेक और वो मिस्टेक बहुत हैवी हो सकती है क्योंकि एक दो नंबर में सारा खेल खत्म हो जाता है सेकेंड जो रीजन है वो है एंडियोरेंस डेवलपमेंट ना वट डू आई मीन वेन आई से एंड डेवलपमेंट यूपीएससी वाले इस चीज को समझ पाएंगे और अगर नहीं कर रहे होंगे तो करेंगे और आर बी आई वालों को भी करना चाहिए बिकॉज आई एम विटनेसिंग ऑफ स्टूडेंट मिसिंग आउट ऑन देर एग्जामिनेशन मिसिंग आउट ऑन देर सिलेक्शन बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन इंड्योरेंस डेवलपमेंट मतलब आपको आदत बनानी पड़ेगी लेट से यू हैव स्टार्टेड रनिंग पहले दिन दस किलोमीटर तो नहीं भाग सकते है ना लेट जाओगे दो दिन तक नहीं उठोगे फर्स्ट डे यू विल रन लेट्स टू किलोमीटर्स आराम से घर आओगे रेस्ट करोगे थोड़ा बहुत रिलैक्स करोगे सेकेंड डे या थर्ड डे यू स्टार्ट यू रन फॉर लेट से थ्री किलोमीटर्स फिर फोर फिर फोर पॉइंट फाइव देन फाइव देन यू स्टे एट फाइव फॉर अबाउट टेन डेज एंड देन यू मेक इट सिक्स इस तरह से आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हो यहाँ पर भी सेम चीज होती है द फेज टू एग्जामिनेशन इज हेल्ड ऑन एन एंटायर डे सुबह से लेकर रात तक आपको करना होता है आप एम सी क्यूज भी आंसर कर रहे हो लिख भी रहे हो योर ब्रेन इज वर्किंग टू मच इन एन एंटायर डे सो यू हैव टू बिल्ड अप इट्स सेंडियो अदरवाइज पहले दिन जाओगे डायरेक्टली मैराथन में चले गए कभी भागा नहीं है या फिर दो दो किलोमीटर भाग रहे थे नाउ डायरेक्टली यू गो फॉर अ मैराथन ऑफ टेन टेन किलोमीटर्स या फिर ट्वेंटी वन किलोमीटर्स यू विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट इट वॉक करना पड़ेगा टाइम लूज आउट कर जाओगे या फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे इट कैन नॉट हैपन हेयर साल में एक बार होता है आपका एग्जाम आप ये नहीं कर सकते कि आप बिना प्रैक्टिस करें बिना इंडियोरेंस डेवलप किए बिना सिमुलेट करें यू गो फॉर द एग्जामिनेशन इन दिन मैसेट आप दैट कैन नॉट दैट इज नॉट एन ऑप्शन दैट इज नॉट अ चॉइस गिवन दैट यू आर अ सीरियस एस्पेक्ट ठीक है ना टाइम पास के लिए दे रहे हो तो ऑफकोर्स यू कैन डू वट एवर सेशन इज नॉट फॉर दो स्टूडेंट्स अब आते हैं मुद्दे की बात पे लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि आरबीआई फेज कंडक्ट कैसे होता है हाउ इज इट कंडक्टेड एंड यू विल रियलाइज आफ्टर दिस डिस्कशन आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन कि भाई ये बहुत डिमांडिंग है टोटल टाइम जो लगता है वो काफी ज्यादा है इतना समय हम मूवी नहीं देख सकते तो ये सब कैसे कर पाएंगे ठीक है लेट्स स्टार्ट मॉर्निंग में मॉर्निंग दो घंटे का पेपर होता है विदाउट एनी ब्रेक फाइनेंस मैनेजमेंट थर्टी मिनट्स के एमसीक्यूज पहले आपसे पूछे जाते हैं uh, है सब कुछ नथिंग इज हेल्ड ऑन पेपर थर्टी मिनट्स के लिए आपको एमसीक्यूज का एक पेपर दिया जाएगा वेर यू विल है यू हैव ट्वेंटी क्वेश्चन एंड टेन क्वेश्चन ऑफ वन मार्क ठीक है ना तो टोटल थर्टी क्वेश्चन थर्टी मिनट इन शॉर्ट ये आपको करना होता है थर्टी क्वेश्चन दो तीन मिनट पांच मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा जिसमें आपको वहीं बैठना है वो सबमिट हुआ नेक्स्ट पेपर कम से आंसर राइटिंग पेपर नाइनटी मिनट्स का पेपर है यू विल बी गिवन सिक्स क्वेश्चन आउट ऑफ दिस यू हैव टू राइट फोर क्वेश्चन नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी प्लस यू कैन राइट एनी थ्री क्वेश्चन इस तरह से होता है ये पेपर बनाया जाता है या फिर फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है अप्रोक्सिमेटली फाइव हंड्रेड वर्ड्स ईच तो मतलब आपको दो हजार वर्ड्स लिखने हैं नाइनटी मिनट्स में विट विच इज नॉट लेस ये तो आपको पेपर अच्छा चला जाएगा वेरी हाई बिकॉज यू फ्रेश अब क्या होगा इसके बाद अब आपको मिलेगा एक ब्रेक एक से दो घंटे का इफ सेंटर इज ऑफ योर चॉइस मतलब अच्छा सेंटर है थोड़ा वहां पे रेस्ट करने की जगह है एक तो आपको रेस्ट करने के लिए जगह बनानी चाहिए नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेस्ट करने की जगह नहीं होगी वेदर इट्स अ कार और अ पार्क नियर बाय ऐसी अगर कोई जगह नहीं होगी देन यू विल सफर ठीक है ना आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू यूज दिस ब्रेक तो प्लीज मेक श्योर कि रेस्ट करने की जगह हो अब रेस्ट करने की जगह है आपने दो घंटे का ब्रेक लिया उसके बाद आफ्टरनून सेशन होता है डेढ़ घंटे का और फिर इवनिंग सेशन होता है दो घंटे का लेट्स कम टू आफ्टरनून सेशन सेशन ऑफ ऑफ आवर्स आवर्स इन दिस नॉलेज कमून सेवर्स यू हैव पेपर टू फर्स्ट पेपर टू इज इंग्लिश इंग्लिश पहले होता है फिर पेपर वन होगा उल्टा चलता है पेपर थ्री पेपर टू पेपर वन ओके इन इंग्लिश यू डो नॉट है इन दीज नाइन यू हैव टू राइट एन एस सी यू हैव टू राइटी एंड यू हैव टू आंसर रीडिंग दिस इज दॉर्मल ट्रेंड विच इज फॉलोड ठीक है ये नब्बे मिनट में आपने ये सब लिखा है द चैलेंज है अच्छा जा सकता है ब्रेक मिल गया ब्रेक में रेस्ट कर लिया दिस एग्जाम कैन बी फाइन द चैलेंज एक्चुअल चैलेंज है दिस इज वेर अट ऑफ स्टूडेंट्स लूज आउट क्योंकि यहाँ बिना ब्रेक के विदाउट एनी ब्रेक यू हैव अनदर एग्जामिनेशन यहाँ पे दो घंटे का एक और पेपर होता है पेपर वन विच इज ई एस आई जिसमें थर्टी मिनट्स एनसीक्यूज ट्वेंटी क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट नाइन्टी मिनट्स ऑफ राइटिंग जिसमें आपको ये आपको सिमुलेट करना है एग्जाम से पहले एटलीस्ट पांच बार अदरवाइज यू विल लूज आउट ये गारंटी है मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार मिले मुझे हु वर नॉट एबल टू इधर कंप्लीट दिस ई एस आई पेपर और वर टू टायर्ड टू इवन एनालाइज इट प्रॉपरली एनाउंसर इट प्रॉपरली तो यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स कर रहे थे एक्यूरेसी स्टार्ट इड गोइंग लो और देखा भी गया दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट अब इसका मतलब ये नहीं कि पेपर एक्चुअल में डिफिकल्ट था बट स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट्स फाउंड इट बिकॉज देयर माइंड्स वर टायर्ड क्योंकि उन्होंने सिमुलेट नहीं किया था एंड डेवलप नहीं किया था सो दे वर ऑलरेडी टायर्ड बाई द टाइम दे रीज हेयर सो दे स्टार्ट इट फाइंडिंग द पेपर डिफिकल्ट उनको समझ नहीं आ रहा है समझने में टाइम लग रहा है दे ब्रेन इज नॉट वर्किंग सो फास्ट एनी मोर सो दे फाइंड इट डिफिकल्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ऑल्सो फॉर नाइन्टी मिनट्स नाइंटी मिनट्स राइटिंग इज अर लॉट बैठ के लिखने देखने लिख, लिखना शुरू करोगे देन यू विल रियलाइज आफ्टर वन आवर योर माइंड माइंड स्टॉप्स वर्किंग व्हेन व्हेन यू वेन यू स्टार्ट विद इट और यहाँ पे आपको कितना लिखना है मिनट्स करेंगे थर्टी होता है ऑलमोस्ट फाइव आवर्स साढ़े चार घंटे फाइव आवर्स ले लेते हैं ऑलमोस्ट फाइव आवर्स यूर राइटिंग दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर राइटिंग इन वन डे साढ़े चार घंटे एक दिन में लिखना बहुत होता है

दिसंबर 22 तक तो खत्म कर रहे हैं एंड फ्रॉम जनवरी बी आर स्टार्टिंग विद रिवीजन और रिवीजन में हम लोग यही करेंगे आई विल बी वर्किंग ऑन सिमुलेशन एंड एंड्योरेंस डेवलपमेंट फॉर पेज टू उसमें एम के टेस्ट उसमें आंसर राइटिंग के रेगुलर टेस्ट एस राइटिंग के रेगुलर टेस्ट आई विल स्टार्ट विद एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट मैंने देखा है कि लोग उसमें कम आते हैं बीस तीस चालीस लोग उससे ज्यादा नहीं आते हैं बट उसमें से भी पंद्रह स्टूडेंट मेरे निकल जाते हैं ई एक्सपीरियंस दैट इज वट है खाली क्लियर नहीं करते हैं टॉप रैंक्स में निकाल के लाते हैं ठीक है तो अगर आप वो करना चाहते हो तो खुद करो या फिर कोर्स के थ्रू करो दैट इज योर चॉइस बट यू हैव टू डू इट देर इज नो ऑप्शन फॉर यू टू नॉट डू इट ठीक है ना मैंने आपको समझा दिया है कोई डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में डाल दो इफ यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन पूर्ण हिंदी कॉमेंट सेक्शन बिलो जिससे कि मुझे भी नए आइडियाज मिले और पता लगे कि स्टूडेंट को कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है सो दैट आई कैन टॉक अबाउट इट ओके आई एल सी यू वेरी वेरी सुन इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबा देना दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कितने स्टूडेंट्स को पसंद भी आ रही है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ठीक है ऑल द बेस्ट गाइज टेक केयर बाय जय हिंद